अयोध्या से अगली खबर आ रही है, जहां बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बूथ नंबर 4 पर यह हादसा हुआ, पुलिस रेस्क्यू में जुट गई है। बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां बस और ट्रक की टक्कर हो गई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के बूथ नंबर 4 पर यह हादसा हुआ, पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो बस और ट्रक की भीषण टक्कर अयोध्या में, बूथ नंबर 4 पर यह हादसा हुआ। अयोध्या से एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। बस और ट्रक की टक्कर हुई है, अभी तक ये पता नहीं चला कितने लोग इसमें हो सकते हैं, बस में कितने लोग बैठे थे, लेकिन 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, साथ ही 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बूथ नंबर 4 की ये घटना, ये दुर्घटना अयोध्या में, बस और ट्रक की भीषण टक्कर, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, जो घायल है उनको बाहर निकाल रहे हैं, और बस को भी ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है, साथ ही साथ बस में कितने लोग सवार थे, और इस वक्त और जानकारी इससे अपडेट क्या आ रहा है? देखिए, बिल्कुल एक भीषण हादसा हुआ है लखनऊ अयोध्या हाईवे पर, जो है अयोध्या में बूथ नंबर 4 है, वहां पर देर शाम को ट्रक और बस की जो जानकारी सामने आई कि जो है भिड़ंत हो गई, जिसके बाद जो ट्रक में सामान लादा था वो ट्रक जो है बस पर जो है गिर गया है, और उसमें जो है काफी लोग बैठे हुए थे बस में। फिलहाल जो जानकारी है कि 5 लोगों की जो है दुर्घटना में मृत्यु हुई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है तुरंत मौके पर पहुंचा है, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को जो है निर्देशित किया गया है, राहत एवं जो है बचाव कार्य जारी है, 1 दर्जन के करीब एम्बुलेंस लगी हुई है, और जो भी घायल हैं उनको उनकी जरूरत के हिसाब से किस तरह की मेडिकल अटेंशन उनको चाहिए, किस तरह का जो है उनको जो है इलाज चाहिए, उस हिसाब से उनको जो है मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल अभी रेस्क्यू चल रहा है, तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं, प्रशासनिक चाहे वो पुलिस के हो चाहे जो है जिला प्रशासन के, सभी अधिकारी वहां मौके पर हैं, एम्बुलेंस मौके पर है, और बचाव कार्य किया जा रहा है, जो है ट्रक को उठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ट्रक में सामान लादा था, इसलिए और भी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू को पूरा किया जाए, क्योंकि जो खबर आ रही है कि अभी भी कई लोग बस के अंदर मौजूद हैं। फिलहाल अभी तक जो जानकारी है, 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है इस हादसे में और 10 लोग करीब गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक जी, बहुत ही तस्वीरें भयावह है, और 5 लोगों की मौत की खबर जो कि आप बता रहे हैं, और साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 10 लोग। आलोक जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।